हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्क बुक 2023-24 के कार्यपत्रक 28 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 28 में हम भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना सीखेंगे, यानी भार से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं सामने आती है उन भार संबंधी प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ऊंट गाड़ी के ऊपर गेहूं लाद कर उन्हें बेचने के लिए जा रहा है। तो बच्चों, गेहूं ले लो गेहूं, ये चिल्लाते हुए क्या कर रहा है, गेहूं बेचता हुआ जा रहा है। तो बच्चों, ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से, ऊंट गाड़ियों के अंदर जो बोरियां लदी गई है उनमें तीन बोरियां जिनमें प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है। कितनी बोरियां है बच्चों, तीन बोरियां। तो एक बोरी का वजन कितना है बच्चों, 1 क्विंटल यानी 100 केजी, 100 केजी प्लस 5 केजी। तो बच्चों, 100 केजी का मतलब होता है 1 क्विंटल, 100 किलो का मतलब कितना होता है बच्चों, 1 क्विंटल होता है 100 किलो का मतलब। तो बच्चों, तीन बोरियां है तो तीनों का वजन कितना हो जाएगा, 3 क्विंटल तो हो गया ये, और पांच पांच का गुणा 3 से करेंगे तो 15 किलो ये हो गया। तो बच्चों, कुल अनाज कितना हो गया, 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम। कितनी बोरियों में, तीन बोरियों में। देखो बच्चों, एक बोरी का वजन कितना है, 1 क्विंटल और 5 किलो, तो तीन बोरी का कितना हो जाएगा, 3 क्विंटल और 15 किलो। अगला बच्चों, 6 बोरियां एक एक क्विंटल की है, तो बच्चों 6 बोरियां 1 क्विंटल की है तो 6 का वजन कितना हो गया, 6 क्विंटल, और किलोग्राम कितना हो जाएगा, 0। अगला बच्चों, 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो बच्चों जब हम 8 गुणा 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 किलो। 400 किलो का मतलब है बच्चों 4 क्विंटल, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया 4 क्विंटल और 0 0 केजी। अब बच्चों हमें कुल लिखना है, तो बच्चों कुल कितना हो जाएगा, तो बच्चों देखो 15 हो गया किलो में कुल, और ये कितना हो गया, 6 और 4 10 और 1 13, यानी बच्चों कुल कितना हो गया, कुल हो गया बच्चों 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। कितना हो गया बच्चों, 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया ऊंट गाड़ी के ऊपर कुल गेहूं की मात्रा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक महिला कह रही है कि मुझे 3.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। 3.5 का मतलब है बच्चों 3 क्विंटल और 50 किलो। 3.5 का मतलब कितना है, 3 क्विंटल और 50 केजी। तो बच्चों 3.5 क्विंटल का मतलब है 3 क्विंटल और 50 किलो। तो बच्चों कुल हमारे पास कितना है, 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। अब इसमें से इस महिला को कितना देना है, 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अब बच्चों देखो, 15 में से 50 नहीं जाता है, तो बच्चों यहां से हम क्या लेंगे, हासिल। तो हासिल कितनी जाएगी बच्चों, 100 किलोग्राम। कितनी जाएगी, 100 किलोग्राम। तो बच्चों 100 और 15 कितना हो गया बच्चों, 115। कुल कितना हो गया, 115। अब बच्चों 115 में से कितना घटाना है, 50, तो कितना आएगा, 65 किलोग्राम। यहां से बच्चों एक हासिल दे दी, तो यहाँ पे अब कितना बचा, 12 क्विंटल। बच्चों 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 क्विंटल, यानी 9 क्विंटल और 65 किलोग्राम अब ऊंट गाड़ी के ऊपर गेहूं बचा है, ठीक है। तो कुल कितना बचा, 9 क्विंटल और 65 किलोग्राम। अब ये वृद्ध आदमी कह रहा है कि मुझे 3 क्विंटल और 15 किलो गेहूं चाहिए। कितने बच्चों, 3 क्विंटल और 15 किलो। अब पीछे कितने बचेंगे, देखो 65 में से 15 गया बच्चों, कितना आ जाएगा, 50 केजी, और 9 में से 3 गया तो बच्चों 6 क्विंटल। तो पीछे बचा 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। आगे बच्चों 6 व्यक्ति और हैं, ये कह रहे हैं कि हमें भी कितना चाहिए, 1 1 क्विंटल हमें भी चाहिए। तो कुल कितना हो जाएगा, 1 गुणा 6, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, 6 क्विंटल। कितना हो जाएगा, 6 क्विंटल। तो हमारे पास बचा कितना था बच्चों, 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। यहां पर देखो, ठीक है, ऊपर 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम बचा था, उसमें से वापिस कितना बांटा है, तो 6 क्विंटल। तो बच्चों पीछे कितना बचेगा, पीछे बच जाएगा बच्चों 50 केजी, यानी किलोग्राम बच जाएगा। 6 में से 6 गया तो 0, यानी अब ऊंट गाड़ी के ऊपर गेहूं की मात्रा कितनी बची है, 50 किलोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया। तो बच्चों बेचा गया गेहूं, बेचा गया गेहूं, तो देखो बच्चों कुल कितना था, कुल था बच्चों आपके 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। कितना था बच्चों, 13 क्विंटल और 15 किलो, ठीक
कितना था कुल। अब बच्चों पीछे कितना बचा है, 50 किलो। कितना बचा है, 50 किलो। तो 13 क्विंटल और 15 किलो में से हमने 50 किलो को बच्चों घटा दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम। ये अनाज क्या कर दिया, उस ऊंट गाड़ी वाले ने बेच दिया। ठीक है, कुल था उसके पास 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। अब उसके पास बचा है 50 किलोग्राम, यानी बच्चों उसने कितना बेच दिया, 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम अनाज बेच दिया। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्य पत्रक 28 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चों क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।